नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भात लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति को समझना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अब देख लीजिए ना कि उपचुनाव से पहले से ही तैयारी हो रही है 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव का। उत्तर प्रदेश चुनाव को लड़ने को लेकर के जो बिहार में जो NDA है वह तैयार पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है उत्तर प्रदेश में उतरने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में जो NDA का गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में उतरते ही तितर बितर हो जाता है। अब हमने देखा कि किस प्रकार से जो VIP पार्टी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी, वे उत्तर प्रदेश में दमखम दिखाने के लिए उतर रहे हैं। 160 से अधिक सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करने की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी अधिकतर जो है सहनी समाज का जो बेल्ट है, जो गंगा किनारे जो विधानसभा है वहां मुकेश सहनी जी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां सहनी समाज की निषाद समाज की आबादी है। लेकिन BJP के साथ गठबंधन की बातें नहीं हो रही है VIP की उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर के तमाम तरह की घोषणाएं भी हो चुकी है। बड़ी वजह है वहां निषाद पार्टी, जिसके जो प्रमुख है संजय निषाद जी, वे जो है साथ हैं BJP के। और इस बार जो लड़ाई है VIP और संजय निषाद के बीच में सामना सामनी होते हुए दिख रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं उससे ठीक पहले से जो तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में होना है उसको लेकर के, तो ऐसे में एक और बड़ी बात ये थी कि उपचुनाव से पहले से ही BJP जदयू को भाव नहीं दे रही थी। जदयू लड़ेगी या नहीं लड़ेगी इस पर भी कोई बात ढंग से खुल करके नहीं सामने आ रही थी। लेकिन BJP वहां लड़ रही है, दमखम के साथ लड़ रही है, क्योंकि सीटिंग सीट वहां पर सीटिंग सरकार जो है वह आपको बता दें उत्तर प्रदेश में BJP का ही है, योगी सरकार है। ऐसे में आपको बता दें कि BJP जदयू को लेकर के किसी भी प्रकार से टीका टिप्पणी करने से बच रही थी। लेकिन जो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वह बेहद टफ मुकाबला था। ऐसे में हमने देखा कि तारापुर हो या फिर कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह जो है पहले से आपको जदयू के ही प्रत्याशी जीत करके आए थे। बिना जो असामयिक निधन से असामयिक मृत्यु के बाद जो है वह सीट वैकेंट हुआ था, इसलिए वहां पर उपचुनाव हुई है। और उपचुनाव में जो है विपक्ष तमाम दमखम दिखाते हुए नजर आया था। कांग्रेस ने तमाम नेताओं को, चाहे कन्हैया कुमार हो, इसके साथ जिग्नेश मेवानी हो, हार्दिक पटेल हो, सबको उतारने की कांग्रेस बात कर रही थी। कांग्रेस ने भी अपना दमखम दिखाया। लालू प्रसाद यादव जी जो कि काफी समय से बिहार के राजनीति से बाहर थे और उन्हें वे बीमार थे, इसके बावजूद अपने पार्टी के प्रत्याशी, राजद के प्रत्याशी के लिए समर्थन करने के उद्देश्य से रैली करते हुए नजर आए, जनसभा करते हुए नजर आए। लालू मैजिक चलने की बड़ी बात थी और इसी बात की उम्मीद थी, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव जी का मैजिक धरा का धरा रह गया और तमाम मुश्किलों को पार करते हुए, यानी कि बिल्कुल एडवर्स कंडीशन में भी जाकर के, प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने अपना विजय पताका जो है दोनों जगह तारापुर और कुशेश्वर स्थान में फहरा लिया। तो ये महज एक उपचुनाव नहीं थी, बल्कि बहुत सारे गठबंधन, बहुत सारे समीकरण और आने वाले भविष्य का लिटमस टेस्ट था। अब देख लीजिए ना, नीतीश कुमार जी जिस समीकरण, लवकुश समीकरण को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में लवकुश समीकरण का तारापुर में फ्लोर टेस्ट था। वहीं दूसरी ओर BJP भी दोनों जगह नीतीश कुमार को वाच कर रही थी कि नीतीश कुमार जी इस बार उपचुनाव में, दो सीट है महत, लेकिन उपचुनाव में क्या कुछ कर पाते हैं, क्या नीतीश कुमार जी में वो दमखम है, क्या नीति जो है नीतीश कुमार जी की इतनी मजबूत है या फिर ये पुरानी बात हो गई। तो इस बार भाजपा को भी जवाब मिल गई है। अब खबर ये आ रही है कि भाजपा नीतीश कुमार जी का अब जो है लोहा मानना फिर से शुरू कर दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा अखिलेश कुमार जो राह मुश्किल कर दे सकते हैं, अखिलेश यादव जो मुख्य भूमिका में है BJP के साथ, NDA के साथ आपको टक्कर लेने में, तो ऐसे में अखिलेश कुमार के खिलाफ एक बड़े काट के रूप में, अखिलेश यादव के खिलाफ बड़े काट के रूप में अब BJP नीतीश कुमार जी को देखने लगी है। तो अब खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में BJP जदयू को लड़ने के लिए एक बड़ा जो है बेल्ट दे सकती है, मौका दे सकती है। लेकिन अब इस पर कब पुख्ता मुहर लगेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी समय शेष है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि उपचुनाव के बाद, उपचुनाव में नीतीश कुमार के तेवर को देख करके BJP ने राजनीतिक रूप से घुटने टेक दिए हैं और उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के अब जदयू और BJP भी
एक मंच पर नजर आ सकती है। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।